लंबा समय अपने राजनीतिक काल का इन गुफाओं में बिताने वाले महान वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जो है बहुत सारी यादें इन गुफा से जुड़ी हुई है। इन गुफाओं में अपना लंबे समय बिताने की वजह थी कि मैं किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। ये देखिए यहाँ पर जो है ये पूरी गुफाएं थी, ये इसका पूरा नज़ारा है, पूरे पत्थर जो है लटक रहे हैं और यहाँ पर इंगलाज माता का मंदिर है और महाराणा प्रताप की मूर्ति जो है यहाँ पर अंदर घुसते ही राइट साइड के अंदर लगी हुई है। ये मूर्ति है, यहाँ पर इंगलाज माता का मंदिर है और यहाँ पे पूजा अर्चना का जगह है और साथ में ये पूरी गुफा है, बहुत बड़ी विशालकाय गुफा है। इस गुफा के अंदर रात को बताते हैं चीते शेर वगैरह भी कई बार आ जाते हैं। ये देखिए कई रास्ते थे, अगर मुगल आ भी जाते तो महाराणा प्रताप उनके हाथ नहीं लगते। ये देखिए बहुत शानदार गुफा जो है, ये मायरा की गुफा और ये पूरे पत्थर हैं। अगर मैं आपको बात करूँ, ये पूरे पत्थर हैं, पत्थरों के नीचे बनी हुई गुफा है और यहाँ पे शानदार जलप्रपात भी हैं, झरना है। तो मतलब ऐसी जगह चुनी जहाँ पर खाने के लिए कंदमूल फल थे और छुपने के लिए, रुकने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए गुफा थी और पीने के लिए पानी था, तो झरना नुमा यहाँ पर पानी बेहतर रहता है। ये देखिए ये है झरना, जो अब तो हो सके पानी कम हो गया लेकिन पुराने ज़माने में अच्छी तरह ये झरना चलता था। ये आप देख सकते हैं पानी टपक टपक के आ रहा है, झरना है, पहाड़ियों से पानी आ रहा है। ये देखिए ये पूरा झरना जो है चल रहा है, यहाँ पे बरसात के समय में बहुत शानदार यहाँ पर नज़ारा रहता है। यहाँ पर भी पीछे गुफा है एक, ये पानी आ कहाँ से रहा है? पहाड़ी से, पहाड़ी से भी इसके पानी आ रहा है और नीचे बहुत गहरी जगह है। यहाँ पे एक कुआं भी बना हुआ है जिसके अंदर पानी स्टोरेज हो रहा है और ये जब कुआं भर जाता है तो इसका पानी आगे निकल जाता है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये कुआं है, इसमें पानी स्टोरेज होता है और भरने के बाद में पानी आगे निकल जाता है। एक दर्शी है जो बताता है कि महाराणा प्रताप का जीवन कुछ इस प्रकार रहा था और घोड़े से जब वो बिछुड़ रहे थे तो वो दर्शी यहाँ पर फिल्माया गया है एक चित्र के माध्यम से। यहाँ कुछ एक तपोस्थली टाइप बनाया गया है जहाँ त्रिशूल है और एक बाबा जी का फोटो है। इन बाबा जी का नाम है श्री सदानंद गिरी जी महाराज, मायरा की धुनी। यहाँ पर सदानंद जी महाराज रहे होंगे, उनका यहाँ पर एक फोटो लगा हुआ। महाराणा प्रताप की सबसे रहस्यमयी और सबसे छुपा वाली जगह थी ये, जो दूसरी मंजिल की गुफा है और इस दूसरी मंजिल की गुफा के अंदर आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको इसका एंड नहीं मिलता। ये पहाड़ी में कहीं दूसरी जगह जाके निकलती है और इस गुफा के अंदर बताया जाता है कि महाराणा प्रताप जो है अपना लंबा समय व्यतीत किया था। साथ में ही उनके सैनिक वगैरह यहाँ पर बैठ जाते थे और कोई भी ऐसा अंदेशा होता था या किसी गाने का अंदेशा होता था तो पहले भनक लग जाती थी। ये एक बहुत ही छुपाव और रहस्यमय वाली जगह थी, इसलिए महाराणा प्रताप ने एक अपना लंबा समय यहाँ पर गुजारा था। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो पानी है वो यहाँ पर हमेशा रिसाव करता रहता है झरने के माध्यम से, झरना यहाँ इस गुफा के पास ही चलता है, तो उन लोगों के लिए ये एक सुरक्षित और साथ में ही जरूरतों को पूरा कुछ हद तक करती थी, इसलिए मायरा की गुफा महाराणा प्रताप ने चुनी। मायरा की गुफा के दूसरी मंजिल पर खड़े होकर आप देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखता है जो आज के समय में विद्यमान है, लेकिन ये नज़ारा बताता है कि उस जमाने में यहाँ पर कितने पेड़ फल फूल कंदमूल हुआ करते थे जो महाराणा प्रताप और उनके जो साथी सैनिक होते थे उनके जीवन यापन के अंदर काम आते थे। तो दोस्तों ये मायरा की गुफा का जो नज़ारा था वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मैं आपका भुज भाई लगातार आप लोगों को जो है इस प्रकार विजिट करा रहा हूँ। फिर आज किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।